एग्जांपल कर लिए होंगे आपने। थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अपने इसके लेफ्ट हैंड साइड लेने चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास फोर थीटा माइनस टेन थीटा। देखो इधर साइन और कोस में इन सब में इसको साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। और तो साइन कोस में चेंज करते हैं कोस होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेन को राइट करते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये कैसे भी आ गया साइन थीटा इनटू कोस थीटा साइन से साइन कैंसिल कोस कोस को कोस से किया कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस से कोस कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें cos ऊपर से गायब के बाद अपने cos को मिसिंग करेंगे तो cos की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos का थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos के जगह पे पुट कर दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो रहा है sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस का sin स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर माइनस के 2 sin square theta upon sin theta cos theta और यही आपकी क्या है right hand side। गुरुबल पहले नहीं आ सकता यह तू 10-10 मिनट निकलने के बाद तो आप ज्वाइन होते हो। cos के 4 थीटा प्लस sin के 4 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 cos का थीटा sin का थीटा। लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं इसकी cos के 4 थीटा प्लस sin के 4 थीटा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अपने जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अपने इसमें क्या करें 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐड करके 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर सबट्रैक्ट करते हैं एडिंग एंड सबट्रैक्ट y 2 sin स्क्वायर थीटा cos का थीटा sin स्क्वायर थीटा cos का थीटा ऐड करते हैं तो नहीं कम करते अपने 5 ऐड करें 5 माइनस करें तो क्या आता है सेम है तो 5 माइनस 5 है 0 इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसको अपने लिख दिया cos का के cos थीटा प्लस sin के cos थीटा एक बार ऐड कर दो 2 sin स्क्वायर थीटा cos का थीटा माइनस उतना ही अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गए वापस उतना ही बच जाएगा। अब अपने पास रेंज होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसका इक्वल a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a की जगह अपने पास क्या है sin स्क्वायर और b की जगह cos स्क्वायर। ये अपने पास बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर sin की 4 स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर sin sin की 4 cos स्क्वायर का स्क्वायर cos की 4 प्लस 2ab 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर आइडेंटिटी आ गई अपने पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा की वैल्यू क्या आती है 1 इसकी जगह क्या पुट कर दिया 1 माइनस क्या पड़ा है 2
साइंस का थीटा कॉस का थीटा, तो ये आप लिख रहे हैं राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन क्वेश्चनों को जितने बार ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा सिंपलीफाई होंगे आपसे, सब मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13, sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल tan थीटा इनटू sec थीटा, साइन cos में चेंज कर दें, 1 cos cos थीटा माइनस cos थीटा, cos को cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका आंसर क्या आ गया, cos theta जब कि 1 minus cos theta, इस प्रकार का ऐसे का आ जाएगा sin theta cos theta, sin से sin गया क्या बच गया cos theta plus sin square theta, अपने क्या लेके चले लेफ्ट हैंड साइड। अब sin square plus cos square की वैल्यू क्या आती है, 1 इसकी वैल्यू पुट कर दो, और 1 माइनस cos square किसके इक्वल होता है, sin square theta, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, इसके वैल्यू क्या आ गई sin square theta upon cos theta into इसके वैल्यू 1 upon sin theta cos theta, 1 sin से 1 sin गया क्या बच गया sin upon cos, sin theta upon cos theta into 1 upon cos theta, sin upon cos क्या होता है tan theta, 1 upon cos क्या होता है sec theta, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन फोर स्क्वायर अल्फा माइनस वन इक्वल टेन स्क्वायर अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन फोर स्क्वायर अल्फा माइनस वन, अब आप इसमें साइन कोस में चेंज करके ऐसे में सिंपलीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं टेन कोट को टेन में चेंज कर रहा हूँ, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कोट का क्या होता है वन अपॉन टेन होता है माइनस वन, तो पढ़ाए वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। नीचे ऐसे भी आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, तो बच गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, अब ये इसके अपॉन में है x, तो डिवाइड वाला को मल्टीप्लाई में चेंज किया tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस
tan square alpha 1 minus tan square sir 1 minus tan square cancel क्या बच गया tan square alpha और ये आप लिख जाएं right hand side क्वेश्चन नंबर 15 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा साइन चेंज हो गए रेसिप्रोकल हो गए साइन थीटा अपॉन में आ गया 1 माइनस कोस थीटा के 1 प्लस कोस हो गया ऐसा ही हुआ है भाई मिस्टेक हो सकता है ना बुक वाले ने मिस्टेक कर दिया होगा माइनस लिखा था इसको उल्टा करके इधर प्लस कर दिया ना अपने रेंजर लेते हैं इसको रफ करते हैं यहाँ पे प्लस कर देंगे इसको चेंज करके मेरे से प्रॉब्लम है ना तो इजी हो जाएगा लेकिन ऐसे नहीं करना लेफ्ट हैंड साइड के आगे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos theta multiplying and divide y इसका sin chain से 1 plus cos theta से multiply कर दिया 1 plus cos theta से divide कर दिया ये हो जाएगा sin theta upon 1 minus cos theta 1 plus cos theta upon 1 plus cos theta 1 plus cos से multiply 1 plus cos से divide उत्तर क्या बन गया sin theta into 1 plus cos theta अब नीचे a minus b a plus b a minus b a plus b क्या होता है a square minus b square a square minus b square 1 minus cos theta और 1 minus cos theta किसके इक्वल होता है sin square theta इसकी जगह क्या आ जाएगा sin theta into 1 minus plus cos theta 1 minus cos theta की जगह साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन से 1 साइन कैंसिल क्या आ गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो ये आ गया राइट हैंड साइड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा इक्वल 1 माइनस नहीं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड क्या होते हैं साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा अब अपन इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब तो दो थ्री जाएगा ओके सिक्स आइडेंटिटी होती है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब तब फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए की जगह क्या साइन स्क्वायर बी की जगह क्या कोस स्क्वायर इसे पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन बी कोस थीटा प्लस
कोस के कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस का थीटा, इसको हमने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब अपने अभी अपने प्रूफ कैसा है कि और प्लस कोस की फोर क्या होता है, वी नो साइन की फोर थीटा प्लस कोस की फोर थीटा भी हमने प्रूफ किया था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस का थीटा एंड साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वन। इसमें पुट करें इसकी वैल्यू क्या होगी, वन साइन प्लस कोस साइन की फोर प्लस कोस की फोर की जगह वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या बनाया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस के टू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, वन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो गया माइनस के थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। आपके पास टेन थीटा अपॉन वन माइनस फोर थीटा प्लस फोर थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल वन प्लस टेन थीटा प्लस फोर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे tan theta upon 1 minus cos theta plus cos theta upon 1 minus tan theta, tan theta क्या लिख दिया मैंने sin theta upon cos theta plus इसको चेंज करते हैं 1 minus cos theta upon sin theta प्लस फोर को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर पर है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा साइन इस कैंसिल आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस एलसीएम आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो इसको ऐसे प्रॉब्लम को इसको टेन करें तो को साइन ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस का आ गया नीचे आ गया कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इसी तरह कोस ऊपर गया कोस का थीटा अपॉन में क्या आ गया साइन नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका देखिए क्या साइन माइनस कोस इसमें कोस माइनस साइन तो अपने एलसीएम लेने के लिए दोनों को अलग अलग लगता है, अपने सेम एलसीएम बनाने के लिए साइन माइनस कोस बनाने के माइनस इसका क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन आने के बाद बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपने माइनस कॉमन ले लिया बन गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इतने से क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस से कोस
साइन माइनस कॉस क्या क्या बच गया साइन साइन को स्क्वायर से क्या साइन की क्यूब थीटा माइनस कॉस की क्यूब थीटा। अब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी तो फिर प्लस में माइनस से भी होता है इसमें प्लस से भी होता है चलते हैं ना इसको अपन ऊपर करें साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन यहां पर है साइन थीटा कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन माइनस कोस लोग हैं साइन माइनस कोस कोस से कैंसिल साइन से प्लस कोस से की वैल्यू आ गई 1 माइनस और प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कोस थीटा अपन गणना था बल प्लस 10 प्लस 4 अब देखो तो इसमें अपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने 1 प्लस 10 प्लस 4 लेके आना है तो अपने इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे आपके पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और सभी को अलग-अलग के नीचे राइट कर देते हैं साइन कॉस को अलग-अलग राइट करते हैं ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा मींस जो कैंसिल था उसको अपने कैंसिल का फैक्टर करेंगे यहां पर आ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा वन साइन से वन साइन कैंसिल वन कॉस से वन कॉस कैंसिल क्या बचा साइन कॉस कॉस साइन कॉस 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 क्या होता है टेन थीटा कोस कोन साइन क्या होता है कोस थीटा प्लस साइन कोस कैंसिल 1 हो जाएगी आपके क्या है राइट हैंड साइड इसी को हमने प्रूफ करना है क्लियर मींस इसके वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आप अलग-अलग फैक्टर कर दो इसके और 1 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तो आपने इस फॉर्म में चेंज करना था अगर अपने पास होता ना 1 प्लस sec cos तो फिर आप इसको चेंज कर लेते इसके ऊपर इतना भी प्रूफ हुआ सकता है वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा अगर इसके ऊपर ये प्रूफ हुआ था तो आपने फिर इसकी वैल्यू वन पुट कर देते फिर अलग अलग फैक्टर करते तो वन साइन कोस से साइन कोस वाला कैंसिल हो जाता वन अपॉन साइन कोस बचता वन अपॉन साइन क्या होता है सेक वन अपॉन कोस क्या होता है सेक लेकिन ये फॉर्म में आपके पास गिवन नहीं है एग्जाम में नहीं है एग्जाम में वही प्रश्न आएंगे जो आप बुक में गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन के 17 क्वेश्चन नंबर 18 टाइम हो चुका है मेरे ख्याल में 5 मिनट रह गए मैं स्क्रीन पर फाइल लेके चलता हूं वेटिंग की sin theta into 1 plus tan theta plus cos theta into 1 plus cos theta equal cos theta plus sec theta लेफ्ट हैंड साइड जाएगी चला में साइन थीटा वन प्लस वन को क्या लिख दिया साइन अपॉन कोस प्लस कोस थीटा फोर को वन प्लस कोस अपॉन साइन साइन थीटा बराबर आई है एन से
बन गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा sin थीटा, ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। अब उनका एलसीएम क्या आ रही है, cos थीटा इनटू sin थीटा, ये बन गया sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin sin का cos का थीटा इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा। sin प्लस cos इसमें, sin प्लस cos इसमें, अपने कॉमन लेते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, कॉमन लेने के बाद जैसे क्या रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा, कॉमन में क्या पड़ा है cos थीटा इनटू sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, पुट कर दिया और इसको अलग-अलग डिवाइड करते हैं sin थीटा कॉमन में cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा के कॉमन में cos थीटा इनटू sin थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 1 sin से 1 sin, 1 cos से 1 cos, क्या रह गया 1 upon cos theta plus 1 upon sin theta, 1 upon cos क्या होता है sec theta plus 1 upon sin क्या होता है cosec theta, और ये आपकी क्या थी right hand side। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, चल रहा हूँ इसकी साइंस का थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा प्लस cos के क्यूब थीटा इक्वल क्या है sec थीटा, ये कहना होगी साइंस का थीटा cos थीटा प्लस, इसको मैं इधर राइट कर रहा हूँ cos के क्यूब थीटा प्लस, इसको इधर कर दिया tan थीटा sin थीटा, दोनों में cos कॉमन आ जाएगा, cos थीटा कॉमन आने के बाद क्या रहेगा sin का थीटा प्लस cos का थीटा प्लस, इसको क्या लिख कर दो मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, sin का प्लस cos का की वैल्यू 1, तो ये रहेगा क्या आपके पास cos थीटा प्लस sin इनटू sin, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम क्या आ गया cos थीटा, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर sin cos sin स्क्वायर cos का की वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos का आता है sec थीटा, तो ये आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 20, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, दो तीन मिनट पड़े हैं अपने पास। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं सेविंग tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस sec प्लस cos, देखो मैंने कहा था 17 नंबर क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, 17 एंड 20 की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड में अपने लास्ट में या अपने पास क्या आ रहा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन था sin थीटा cos थीटा, अपने इसके अपॉन में इसको, इसके अपॉन में इसको, इसके अपॉन में इसको लाइक देता, इस पूरा क्वेश्चन जानता करना है हमें कंप्लीट, मैंने कहा था ना इसका आज
अपने अपने आपको बताया भी था, तो वो बस 20 में अपने आप आ ही गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का इनवर्स कर दो, 1 तो ये आ गया 1 प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। अब अलग-अलग डिवाइड करो, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। s 1 अपॉन sin क्या आता है, तो sec थीटा 1 अपॉन cos क्या आता है, sec थीटा प्लस 1। और ये यहां पे क्या है, राइट हैंड साइड। मींस जहां तक आपने इसको sin cos में चेंज करते हैं, इसको सिंपलीफाई करके इस फॉर्म में आ रहा है, यहां पे बन रहा था फैक्टर sin थीटा माइनस cos थीटा, और नीचे भी बन रहा था sin थीटा माइनस cos थीटा। ये फैक्टर यहां से कैंसिल हुआ था, उसके बाद ये बचा था। क्लियर, टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 30, 20% 30, 10% अपने कल की क्लास रहेगी अपनी इसी टाइम, उसमें कर लेंगे 10% बचे हैं इसके।